उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन 50,000 रुपए की इनामिया अतीक की पत्नी शाइस्ता यूपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जो पुलिस के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। शाइस्ता कहाँ है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, उसकी बहन आयशा नूरी भी गायब है। पुलिस ने लाखों रुपए का इनाम तो रख दिया, लेकिन फिर भी पुलिस बस हाथों की लकीर पीट रही है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की इद्दत की मियाद भी पूरी हो चुकी है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार इद्दत के समय किसी भी महिला के पति की मौत के बाद 4 महीने 10 दिन वो विधवा महिला एकांत में रहती है। विधवा महिलाओं को छोड़ किसी से भी नहीं मिल सकती। विधवा को बस अपने भाई और बेटे से ही मिलने की इजाज़त है। विधवा महिलाएं ऐसे कमरे में रहती हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती है। ऐसे वक्त में ना तो महिला फ़ोन का इस्तेमाल करती है और ना ही किसी गैर पुरुष से बातचीत करती है। शाइस्ता की मियाद पूरी होने पर यूपी पुलिस ने शाइस्ता और जैनब फातिमा के अलावा आयशा नूरी की भी तलाश तेज कर दी है। यही नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर गांव में दबिश दे रही है, लेकिन ना तो 50,000 रुपए की नामिया शाइस्ता परवीन हाथ लगी और ना ही अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। यही नहीं, आयशा नूरी के साथ 5 लाख रुपए के नामिया गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के साथ गुलाम भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है। अब या तो उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई है। लेकिन इस बार जो पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए प्लान बनाया है, उससे लगता है कि फरार आरोपी जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। शहर भर में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस ने निगरानी तेज कर दी है। इस बार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस ने फरार चल रहे छोटे और बड़े आरोपियों को पकड़ने के लिए नई योजना तैयार की है। योजना के अनुसार पुलिस 5,000 हाईटेक HD CCTV कैमरों से निगरानी कर फरार चल रहे अपराधियों पर शिकंजा कसेगी। इन कैमरों में AI डेवलप किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से लैस होगा। इसमें अपराधियों की तस्वीर तक कैप्चर कर ली जाएगी। इस बार तो पुलिस ने उन स्थानों पर भी हाईटेक कैमरे लगाए हैं जहां फरार चल रहे अपराधी और माफिया अतीक अहमद से संबंधित अपराधियों का मूवमेंट ज़्यादा होता है। यह मैसेज पुलिस के उन मोबाइल पर भी जाएगा जहां पर इन कैमरों की कनेक्टिविटी होगी। पुलिस मान रही है अब वो दिन दूर नहीं जब इन हाईटेक CCTV कैमरों के जरिए फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता गिरफ्त में होगी। अब देखना ये होगा क्या पुलिस का ये प्लान काम आता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।